आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी या तो गर्दन आगे ज़्यादा झुकी रहती है हमेशा, या फिर हमेशा ही थोड़ी टेढ़ी रहती है। आइए जानते हैं इसके कारण। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या होता है मन्यास्थम या टॉर्टिकोलिस, मतलब गर्दन का टेढ़ा होना। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मन्यास्थम रोग के बारे में। यह एक वात व्याधि है। अगर आपको वात व्याधि के परिचय के बारे में जानना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मन्यास्थम को मॉडर्न में टॉर्टिकोलिस से रिलेट किया जाता है। वो टॉर्टिकोलिस जो है वो एक पेनफुली ट्विस्टेड और टिल्टेड नेक की डिजीज़ होती है, जो कि ब्लड वेसल्स और जो मसल्स हैं नेक की, उसके डैमेज के कारण होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मन्यास्थम के निदानों की। दोस्तों, सुश्रुत संहिता में निदान स्थान के पहले अध्याय का 67वां श्लोक अर्थात 67th श्लोक में मन्यास्थम के निदान का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। दिवा स्वप्न आसन स्थान विकृत ऊर्ध्व निरीक्षण मन्यास्तम्भम प्रकृते स एव श्लेष्मणा आवृत है। अर्थात अगर हम दिवा स्वप्न करते हैं, मतलब कि दिन में सोते हैं, या विषम स्थान या विषम स्थिति में लेटते या सोते हैं, इसका अर्थ है ऊबड़ खाबड़ जगह पर सोना या लेटना, या फिर निरंतर ग्रीवा उठाए मुड़कर देखते रहते हैं, तो इन सबसे मन्यास्थम व्याधि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं मन्यास्तंभ के सामान्य लक्षण। पहला है मन्या प्रदेश में स्तब्धता। इसका मतलब है स्टिफनेस इन नेक रीजन, मतलब कि जो नेक रीजन है हमारा, उसमें जकड़ाहट आ जाती है। सेकंड लक्षण है मन्या में अत्यधिक वेदना, मतलब कि पेन इन नेक रीजन, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है नेक रीजन में। तो दोस्तों, ये है मन्यास्तंभ के सामान्य लक्षण। अब हम चलते हैं मन्यास्तंभ के संप्राप्ति चक्र की ओर, जो कि राइट हैंड साइड में है। तो दोस्तों, जो पहले बताए गए निदान हैं, उनका अगर हम सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है। अब दोस्तों, प्रकोपित वात जो है उसका कफ दोष से आवरण हो जाता है, अर्थात वात दोष को कफ दोष कवर कर लेता है एक तरीके से, मतलब कि ढक देता है। अब जो कफ आवृत वात है, मतलब कफ से ढका हुआ वात है, उसका मन्या प्रदेश में स्थान संश्रय हो जाता है, मतलब वो मन्या प्रदेश में आके संश्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उससे बनती है मन्यास्तंभ व्याधि। तो दोस्तों, यह था मन्यास्तंभ व्याधि के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा मन्यास्तंभ के निदान, सामान्य लक्षण व संप्राप्ति चक्र। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो ना यार डेंटल एंड आयुर्वेदा को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कॉमेंट बॉक्स में हमें ये बताना ना भूलें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकते हैं।